नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, एक DIY जो बहुत ही यूज़फुल है, साथ ही ये जीरो बजट का है और ये काफ़ी मजबूत भी है, साथ ही ये काफ़ी खूब अच्छा भी है और यूज़फुल भी है। तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है दो जो वाटर कूलर होते हैं ना, उनका मैंने इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि वाटर कूलर्स के ये जो नल है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे कोई अगर अनयूज्ड आपके पास वाटर कूलर है तो उनकी हेल्प से आप एक बहुत ही अच्छा DIY बना सकते हैं। और जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए मैं जो इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है, देखिए ये खस, ये जो गद्दा जब हमारा बेकार जाता है तो उसका जो खस, आप चाहे तो उस पुराने खस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा खस नहीं है तो आप किसी मोटे कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पुराना आपका अनयूज्ड रखा हो। तो मैंने यहाँ पर जो खस का है, जो पीला भाग है, जो फोम होता है ना, इसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो जो पुराना जो फोम होता है वो टूट टूट कर गिरने लगता है, तो इसलिए उसको हमें यहाँ पर हटा देना है। तो उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी, इस खस को मैं चारों तरफ लगाती हूँ। पहले मैंने वाटर कूलर को एक दूसरे पर रख दिया है, उसके बाद मैंने देखिए खस को इसके चारों तरफ लगाया है ताकि मैं इसका एरिया ले सकूँ कि कितना इसका एरिया है। तो मैं इसके एरिया के अकॉर्डिंग इसको कट कर लूँगी और बाद में मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको इसमें अटैच किया है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने जो ये धागा इस्तेमाल किया, ये जो गद्दे वाला धागा, मजबूत धागा होता है, उसका इस्तेमाल किया, और साथ ही मैंने जो बड़ी निडिल होती है सुई, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अटैच, ये पूरे जो खस को है ना, इसमें अटैच कर दूंगी। तो देखिए सिलाई की हेल्प से आप इसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप छोटे टाके लगाएं, बड़े टाके लगाकर आप इसको इसमें बड़े ही इजीली तरीके से अटैच कर देंगे, क्योंकि ये जो खस है तो इसमें सिलाई भी बहुत इजीली हो जाएगा, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है। अभी जो ये जो मैं DIY बनाने वाली हूँ वो आपको लास्ट में पता लगेगा कि क्या मैं DIY बना रही हूँ। तो ये काफ़ी जो DIY है वो काफ़ी यूज़फुल बनने वाला है, और ये ये एकदम जीरो कॉस्ट का बनेगा, और साथ ही हमारे बेस्ट जो काफ़ी सामान रखा रहता है उसका भी इसमें काफ़ी यूज हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी सिलाई लगा दी है, इसमें इसको स्टिच कर दिया है, और ऊपर साइड में भी मैंने इसको देखिए सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर दिया है। तो अब इसको हमें कवर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पुराना स्वेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो बॉयज़ के जो स्वेटर होते हैं पुराने, उनका भी यूज कर सकते हैं, या कोई वूलन कपड़ा जो आपके पास हो उसको, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पुराना स्वेटर है, इसका मैं यूज़ कर दूँगी, क्योंकि इससे ना केवल इसको मजबूती मिल जाएगी बल्कि ये देखने में भी थोड़ा ठीक लगेगा। तो इस तरह से देखिए मेरे पास दो स्वेटर हैं जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ये स्वेटर का यूज़ किया है। तो ये स्वेटर काफ़ी मोटा है, तो ये ना केवल मजबूती देगा बल्कि ये एक जो सॉफ्ट रहता है ना, तो वो भी इसको देगा, सॉफ्टनेस जो आनी चाहिए ना वो भी इसको देगा। तो ये देखिए मैंने क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इसकी जो आस्तीन है उसको हम कट करके हटा देंगे, और हटाने के बाद देखिए जो आस्तीन है, आस्तीन से ही मैं क्या करूँगी, अभी मैं दिखाती हूँ कि उसमें किस तरह से सर्कल कट करने हैं। तो ये देखिए ये दो मेरे आस्तीन के देखिए पोर्शन निकल गए हैं, और इनसे ही देखिए मैंने सर्कल का पोर्शन कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए ये स्वेटर काफ़ी मजबूत है, और इसका यूज़ करने में इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सर्कल करके कट करके इसको निकाल दिया, इसको हम एरिया भी एक बार नाप लेते हैं कि इसके ऊपर फिट रहेगा कि नहीं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये सही कट हुआ है। तो
इस तरह से मैं, और जो इसका जो बाकी जो स्वेटर का पार्ट है वो मैं इसके चारों ओर यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर का एरिया थोड़ा सा अनइवन है, मतलब ये ऊपर नीचे है, तो इसको हमें क्या करना है, बराबर से करना है। उसको भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ से कवर करके और उसको हमें सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मैंने उल्टे साइड में इसको जो गले वाला हिस्सा है वो हमें उल्टे मतलब जो हम जो बनाने वाले डीआईवाई, तो वो जो नीचे वाले एरिया उधर हमें इसको रखना होगा, यानी उल्टे एरिया में इसको रखना होगा। और इसकी जो आस्तीन है इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ इसमें सिलाई लगा दी है। सिलाई कैसे लगी देख लीजिए आप इसमें। और ये जो नीचे वाला जो मेरा पोर्शन हुआ उसको हमें यहाँ पर अभी स्टिच करना ये सर्कल वाले एरिया से। तो इसमें देखिए हम इसमें डबल पार्ट का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर ये डबल पार्ट इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन जो थोड़ा सा ना तो गुदगुदा टाइप का रहेगा। तो उसके लिए भी सिलाई के लिए हम ये हाथ से जो बड़ी वाली सुई ना उसकी हेल्प से ही इसमें स्टिच चारों तरफ कर देंगे। तो ऊपर का जो एरिया था वो आपने देखा था कि इवन नहीं था, तो उसको इवन करने के लिए मैंने क्या किया, जो वेस्ट कपड़े थे उसके जो छोटे छोटे पीस मेरे पास बचे हुए थे वही मैं इसमें लगा दे रही हूँ। और इसको लगाने के बाद मैं इन दोनों पीस के साथ में जो नीचे वाला है ना उसको मैं सिलाई करके मजबूती से लगा दे रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ये रेडी हुआ। तो आप अब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या बनने वाला है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये जो हम लोग एक बैठने वाला जो इस्तेमाल करते हैं उसको मोड़ा भी बोलते हैं, और इसको कुछ आप लोग और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो मोड़ा टाइप का होता है ना ये वो है, जैसे कि आप अपने कमरे में कहीं पर किनारे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर किनारे पर इसको रख देंगे तो ये बैठने के काम आएगा। साथ ही आप चाहें तो ड्रेसिंग के आगे भी इसको रख सकते हैं, जो बैठने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा बैठने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। अभी तो ये मतलब ये इसने कवर किया है अंदर वाले एरिया को, लेकिन अभी मुझे इसको थोड़ी सी मजबूती भी देनी है और इसको, और साथ ही इसको थोड़ा सा जैसे कि गद्देदार थोड़ा सा मुलायम टाइप का इस तरह के मतलब जो होता है ना सॉफ्टनेस वाली फीलिंग वो चीज़ भी इसको लेकर आनी है। तो इसमें भी मैंने क्या किया, इसके जो बटन है ना वो इसको मैंने लगा देने हैं, और बाद में अभी स्टिच कैसे करनी वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बटन लगा दिए और इसको क्या ना पूरा इसको कवर कर देना है। और इसको जो गला वाला जो पोर्शन है ना वो ऊपर जो सिटिंग एरिया है ना सर्कल वाला एरिया वहाँ पर ये रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी इसमें फिट आ गया है और काफ़ी अच्छे से इसमें कवर कर लिया इसने, कोई ढीला पोर्शन नहीं, जिसकी वजह से हमें मतलब थोड़ा सा अंतर स्टिच करना पड़े छोटा करना पड़े ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए पूरी सिलाई लगा देनी है और कवर वाले जो गला वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से देखिए जो थोड़ा सा और जो आपको एरिया थोड़ा सा लगे ना उठा हुआ उसको भी हम सिलाई की हेल्प से उसको इवन कर देंगे, एकदम बढ़िया से इसको मजबूती दे देंगे। और अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि जो आस्तीन वाला पार्ट है उसका हमें क्या करना है। तो इस तरह से हम एक पहले आइडिया ले लेते हैं कि हमको आस्तीन किस तरह से रखनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने आस्तीन को रखा है, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ कि सिलाई करते समय आस्तीन को किस तरह से आपको रखना है। तो सिलाई इस तरह से किनारे से मजबूती से सिलाई लगाते जाना है, और ये आस्तीन वाला पोर्शन आपको बाद में सिलने के बाद नहीं पता लगेगा कि ये कोई एक आस्तीन वाला पोर्शन है। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से ये सिलाई कर दी, और बनने के बाद देखिए कितना अच्छा ये बना है। और ये पूरा देखिए आस्तीन वाला मैंने पोर्शन नहीं कट गया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ये मजबूती ही देगा अगर हम इसको सिलाई करके रिमूव इसमें लगा रहने देते हैं। तो मैंने आस्तीन वाले पोर्शन को ना फिर नीचे रख दिया है और वो दोनों को आपस में जोड़ दिया है। और दूसरी आस्तीन की भी देखिए सिलाई देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सिलाई की है, और काफ़ी मजबूत भी है ये सिलाई, और ये स्वेटर की वजह से काफ़ी मजबूत हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा और गुदगुदा हमारा रेडी हुआ है। तो इस तरह से हमारा देखिए अब हमें जो नीचे वाला पोर्शन है जो वो है स्वेटर का जो एरिया है ना, तो उसको भी हमें इस नीचे वाले पोर्शन में सिलाई करके स्टिच कर देना है। तो इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ना खींच के स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दबा के थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कुछ खाली सा इसमें बीच बीच में रह गया, तो उसके लिए हमें क्या करना वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास छोटे छोटे पीस अगर वेस्ट पीस है
छोटे छोटे, तो हम इसको अगर जो पुराने कपड़े होते हैं ना उनको कट करके हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास पुराने छोटे कपड़े हो या कोई वेस्ट कपड़ा हो तो उन्हें छोटे छोटे पीस में कट करके इनको इवन तरीके से फिल कर देना है। इनको इस तरह भरते समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि वो टुकड़े एक जगह पर इकट्ठे ना हो, क्योंकि बाद में वो देखने पर मतलब कहीं पर मोटा रहता है या कहीं पर पतला, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कई सारे छोटे जो पीसेज हैं ना वो मैंने इसको फिल कर दिया, और देखिए ये अब थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है। तो अगर मेरे चैनल पे अगर तो मेरी चैनल पे नहीं तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मेरी आने वाली वीडियो की और साथ विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने खींच कर इनको स्टिच कर लिया। आप अगर मेरा ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो DIY बनने वाला वो काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी सुंदर बनने वाला है। साथ ही आपका एक जो वेस्ट चीज़ का वो एक बहुत अच्छा यूज हो जाएगा। तो लास्ट में अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा DIY अच्छा लगा या नहीं। साथ ही अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने स्वेटर से तो इसको सारा कवर कर दिया। अब मैं इसका चाहे तो आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो इसको ना कवर करने वाली हूँ तो कवर करने के लिए भी आपको बहुत इजी तरीके से ये तैयार हो जाएगा और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें। तो कैसे आपको बनाना वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने एक टॉप लिया है, जो पुराना मेरे पास अनयूज्ड टॉप था उसका ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें जो मेरा ये जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा खींचने वाला है, काफ़ी अच्छा ये कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, तो उसको ही मैं इसमें बनाऊंगी, जिससे इसमें ना थोड़ा सा फिटिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो उसका मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये टॉप मेरा पुराना रखा हुआ था, इसमें काफ़ी इजी तरीके से मेरा ये जो कवर है ना वो रेडी हो जाएगा। आपने इसको देखा कि कैसे मैंने बनाया है। अगर आप इसको जिसने नहीं देखा होगा तो वो ये एक आइडिया नहीं लगा पाएगा कि मैंने ये किसी टॉप से कवर को रेडी किया है। तो यहाँ पर मैं ये जो जीन्स वाला पुराना जीन्स है तो वो मैं सर्कल का पार्ट इसमें से निकाल दूँगी, और मैं जो ऊपर वाला एरिया है उसमें मैं ये सर्कल पार्ट को ज्वाइंट कर दूँगी। और ये देख सकते हैं जो आस्तीन वाला एरिया उसको भी मैं सिलाई कर दूँगी और उसको आपस में जोड़ दूँगी। और ये जो फ्रिल वाला ये जो ना फ्रिल वाली लुकिंग देगा तो इसको मैं कट करके नहीं निकाल दूँगी, और जितना ओपन एरिया उसको बस मैं स्टिच कर दूँगी। तो ये इसको मैं कैसे स्टिच करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आस्तीन भी इसकी इस तरह की कि ये फिर वाली लुकिंग दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे वाला जो एरिया है वो भी मैं क्या करूँगी, सिलाई कर दूँगी, इस तरह से मोड़ दूँगी। ये मुझे इतना इस तरह से मोड़ना है कि इसके अंदर मैं कोई रस्सी डाल सकूँ या इसमें नाड़ा डाल दूँ, जिससे कि बाद में उसको खींच के नीचे से उसको अच्छी तरह से बांध दूँ और वो इसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीन्स का कपड़ा निकाल दिया है और मैंने इसको स्टिच भी कर दिया। यहाँ पर मैंने सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर सिलाई मशीन से करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा हल्का टाइप का तो ये थोड़ा सा फटने का इसमें मतलब थोड़ा सा फट सकता है, तो इसीलिए मैंने हाथ से ही सिलाई लगा दी है और मजबूती से सिलाई इसमें लगाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो इस तरह का जो है ना ये आस्तीन का ये तीनों जो मतलब सतह है उन तीनों को सिलाई करके आप जोड़ देना। देखिए मैंने सिलाई इस तरह से लगाई, इसी तरह से आपको इधर साइड में भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद वो कुछ उस तरह का दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको इस पर पहना कर दिखाती हूँ कि देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बनने पर कितना अच्छा रेडी हुआ है। इस तरह से आप जीरो बजट में इस DIY को रेडी कर सकते हैं। तो ये अगर मेरा DIY अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट भी करिएगा किस तरह का ये DIY बना है और आपने बनाया कि नहीं, अगर बनाया है तो आपका कैसा बना है। तो नीचे से देखिए ये मेरा नाड़े को ये इसमें डालकर मैंने इसको खींच कर उसमें बांध के मैंने नाड़े को अंदर साइड में ही कर दिया, जिससे काफ़ी अच्छी तरह इसमें अटैच हो गया है। तो वीडियो मेरी तो फिर
ये देखिए इस तरह से जो फ्रिल वाला है, अगर चाहे तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। और वैसे मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से लाकर ऊपर के लिए स्टिच कर दूँगी, जिससे कि ये एक मुड़े वाली फीलिंग देगा और लुकिंग देगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर देनी है, और ये साइड में भी सिलाई करनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो केवल ऊपर जो कॉर्नर वाला एरिया है उसको ही हम थोड़े से एक दो टाँके देकर उसको आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी से ये, कोई स्टिच ज़्यादा नहीं करना पड़ा, आसानी से इसका कवर भी रेडी हो गया। तो इतने आसान तरीके से आप अपने DIY को रेडी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।